हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ हेमकुंट साहिब गुरुद्वारा, जो कि उत्तराखंड में है। सो डे वाइज मैं आपके साथ जो भी यहाँ पर भी मैं स्टे करूँगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी मैं इस टाइम हूँ रामा मंडी काकी पिंड के पास, एक गुरुद्वारा है सिंह सभा गुरुद्वारा। और यहाँ से इनोवा गाड़ियाँ जाएंगी, टोटल 26 गाड़ियाँ हैं और उनमें से एक गाड़ी मैंने बुक करवाई है। और डे वन है आज, तो मैं जलंधर से ऋषिकेश जाऊंगा और रास्ते में कुछ गुरुद्वारा साहिब आएंगे और आपको वहाँ के भी दर्शन करवाऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आइए चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। सो अभी मैं पहुँच गया हूँ गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। सो ये सामने की तरफ गुरुद्वारा साहिब है और हम अंदर जाकर दर्शन करेंगे। यह वह पवित्र स्थान है जहां बाबा जोरावर सिंह जी 9 वर्ष, बाबा फतेह सिंह जी 7 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को दीवार में चिणवा कर शहीद किए गए। वहीं पर ही पालकी साहिब सुशोभित है। यहीं पास में गुरुद्वारा साहिब ठंडा बुर्ज है, जहां पर माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को रखा गया था। अभी मैं लंगर हॉल पहुंच गया हूं, यहां पर लंगर छकेंगे और फिर जाएंगे फिर अगले गुरुद्वारे। सो अभी मैं गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, जो कि हरियाणा में है, वहां पर पहुंच गया हूं और अभी आपको मैं अंदर जाके दर्शन करवाता हूं इस गुरुद्वारा साहिब के। और पीछे आप देख सकते हो, ये है एंट्री यहाँ गुरुद्वारा साहिब की। तो आइए चलते हैं अंदर। सो गुरुद्वारा साहिब में एंटर करते ही यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब का इतिहास लिखा हुआ है। यह स्थान श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी की चरण शोभा प्राप्त है। गुरु साहिब जी दिल्ली जाते समय इस स्थान पर आए और 3 दिन रहकर संगतों को पवित्र उपदेश द्वारा निहाल किया था। तो बाकी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ इतिहास, पंजाबी में भी है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अभी चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर और करते हैं दर्शन। सो इस साइड आप सामने देख सकते हो सरोवर बना हुआ है, जहां पर संगतें स्नान कर सकती हैं।
सो ये है श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी निवास, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। और ये सामने है लंगर हॉल। सो ये था गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब अंबाला हरियाणा में। और इसके बाद मैं जाऊंगा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश में। तो आइए फिर चलते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, जो कि ऋषिकेश में है। और मैं जलंधर से सुबह चला था और फाइनली मैं ऋषिकेश पहुँच गया हूँ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी ऋषिकेश। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संगतें आई हुई हैं। तो यहाँ पर सिख शहीदों की यादगार भी है, एक गैलरी है, अभी वो आपको दिखाता हूँ अभी मैं अंदर जाके। और इधर राइट साइड आप जो रूम्स मिलते हैं यहाँ पर एसी और नॉन एसी, वो आप बुक करवा सकते हो। और ये है गैलरी ऑफ सिख मार्टियर्स। तो आज डे वन में मैंने आपको तीन गुरुद्वारा साहिब दिखाए हैं। पहले नंबर पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, जो कि लुधियाना के पास था। और उसके बाद गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, जो कि अंबाला में था। और थर्ड गुरुद्वारा ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है ये गुरुद्वारा साहिब। मैं नफरत में यकीन नहीं करता, क्योंकि मेरी प्रार्थना में हर रोज़ शरबत का भला मांगा जाता है। और मेरी परंपरा तो युद्ध के मैदान में दुश्मन को भी पानी पिलाने की है। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। और सामने है भाई दयाला जी निवास। एक बिल्डिंग ये है जहाँ पर यात्री रुक सकते हैं, मतलब कि उनको रूम्स मिलते हैं यहाँ पर। और एक बिल्डिंग देखिए उधर भी है, और यहाँ पर भी यात्री रुक सकते हैं रात को, लेकिन ये नॉन एसी है और इधर एसी वाले हैं। और इसकी बैक साइड में भी अभी और भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है ये।
सो आई होप आपको सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डे वन में इतने सारे गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाए आज मैंने, तो कल है यात्रा का डे टू और कल मैं ऋषिकेश से गोविंद घाट की तरफ जाऊंगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।